हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मेरा नाम है हिमांशु और मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में थ्रिल हॉरर सस्पेंस सीरीज की कॉमिक खूनी जमीन का पहला भाग। खूनी जमीन, लेखक तरुण कुमार वाही, कला निर्देशक प्रताप मुलीक, चित्रकार चंदू, संपादक मनीष चंद्र गुप्त, ठाकुर वीर प्रताप सिंह और उनकी पत्नी सुलोचना देवी। लेकिन अब क्या होगा, इतना रुपया कहाँ से आएगा, यही फिक्र तो हमें खाई जा रही है सुलोचना। अब हम केवल नाम के ठाकुर रह गए हैं। बेटी के लिए अच्छा घराना मिला तो हाँ कर दी, अब अगर ठाकुरों वाली आन बान से शादी नहीं हुई तो हम किसी को मुंह दिखाने लायक ना रह जाएंगे। तभी कुछ सोचते हुए सुलोचना देवी ने कहा, एक काम हो सकता है। वह क्या? अपनी गाँव वाली ज़मीन बेच दी जाए। अरे हाँ, उसे तो मैं भूल ही गया था, मगर ये कैसे हो सकता है, वह ज़मीन तो कई वर्षों से पंडित ओंकारनाथ की देखरेख में है। तो क्या हुआ, आपने उसे ज़मीन फसल पैदा करने के लिए दी थी, उसके मालिक आज भी हम हैं। ठीक है, तुम मेरा सामान तैयार कर दो, मैं आज ही जाकर उस ज़मीन का सौदा कराता हूँ, ईश्वर ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। उसी शाम ठाकुर वीर प्रताप सिंह ट्रेन से गंगापुर के लिए रवाना हो गए। अगले दिन सुबह जैसे ही एक तांगे से ठाकुर पंडित ओंकारनाथ के दरवाजे पर उतरे, अरे ठाकुर साहब। और फिर जब ठाकुर ने अपने आने का कारण बताया तो, क्या ये आप क्या कह रहे हैं ठाकुर साहब, मेरी मजबूरी का समझो पंडित। नहीं नहीं, भले ही ये ज़मीन तुम्हारी है लेकिन हमने इसे अपना खून पसीना बहाकर सींचा है, ये ज़मीन नहीं बिकेगी। एकाएक पंडित का बड़ा लड़का कृष्णा गुर्रा कर कह उठा, ओ ठाकुर साहब तो आप ज़मीन बेचने का इरादा लेकर आए हैं, यह ज़मीन नहीं बिकेगी। यह देख ठाकुर साहब सख्त सर में कह उठे, यह मत भूलो कृष्णा कि यह ज़मीन आज भी मेरी है, लेकिन अगर ये ज़मीन बिक गई तो क्या हम क्या करेंगे, हम अपना ये गांव छोड़कर कहाँ जाएंगे। कुछ भी हो, ये ज़मीन मेरी है और मैं इसका सौदा जल्द ही करके यहाँ से चला जाऊँगा। एकाएक कृष्णा गंभीर होकर कह उठा, तो फिर ठीक है ठाकुर साहब, अगर आप अंतिम फैसला कर ही चुके हैं तो फिर हम बीच में पड़ने वाले कौन होते हैं, कल सुबह तक अपना इंतज़ाम कर लेना। कृष्णा का फैसला सुनकर पंडित ओंकारनाथ ने ज़बरदस्त प्रतिरोध करना चाहा, लेकिन कृष्णा की आंखों का संकेत देखकर वह खामोश हो गया। इंतज़ाम तो कल सुबह तक करना ही होगा। ठाकुर के जाने के बाद, ये तूने क्या किया मूर्ख, अगले माह बिश्ना का ब्याह है, अगर हमने इस ज़मीन को छोड़ दिया तो ब्याह कैसे होगा, हम इस ज़मीन को नहीं छोड़ सकते। कृष्णा का तो दिमाग ख़राब हो गया लगता है बापू, मैंने जो कुछ कहा है सोच समझ कर ही कहा है। क्या मतलब? मतलब भी समझाता हूँ, कृष्णा उन्हें मतलब समझाने लगा। कृष्णा की योजना सुनते ही सबके मुँह खुले के खुले रह गए और आँखें फटी की फटी। फिर आधी रात को एकाएक ठाकुर साहब की नींद टूट गई। तो मैं ज़मीन का सौदा करने का शौक था ना, अब ऊपर जाकर करना ये सौदा। अरे ये क्या कर रहे हो, वैश्याना ढंग से पंडित ओंकारनाथ का लाठी वाला हाथ ऊपर उठा और तलाक, लाठी के प्रहार से ठाकुर वहीं ढेर हो गया। यह देखते ही बिश्ना चिल्लाया, मंगला जल्दी कर, मंगला कर दे साले के टुकड़े। भेड़िया सी चमक आंखों में लिए मंगला ठाकुर के बेहोश जिस्म में टूट पड़ा, खच खचा खच खचा खच। जब उसके हाथ रुके तो ठाकुर का शरीर केवल लाशों में नहीं बल्कि 6 टुकड़ों में बदल चुका था। अब देखता हूँ कौन बेचता है ज़मीन, इस लाश का क्या करें, उस ज़मीन में गाड़ दो जिसे बेचने आया था, यही ठीक रहेगा। चारों ने मिलकर ठाकुर के शरीर के टुकड़ों को एक चादर में लपेटा और खेत पर ले गए। खोदो ज़मीन, गड्ढा खोदकर लाश को उसमें डाल दिया गया। जल्दी करो, सुबह होने वाली है, गड्ढे को मिट्टी से भर दो, यह कुल्हाड़ी भी गई गड्ढे में। सब कार्यों से फारिग होने के बाद अब कोई नहीं कह सकता कि यहाँ ठाकुर की लाश दबी है। उधर शहर में सुलोचना देवी परेशान हो रही थी, उफ आज 5 दिन हो गए तेरे पिताजी को गांव वाली ज़मीन का सौदा करने गए और अभी तक उनकी कोई खबर नहीं है। मगर माँ, पिताजी तो 2 दिन में लौटने को कह गए थे। यही तो मेरी चिंता का विषय है सोनिया, बेटी ज़रा अपने चाचा के पास जा और उनसे ठाकुर साहब का पता लगाने को कह। चाचा के पास? लेकिन माँ, घबरा मत, वे तंत्र विद्या के महापंडित ज़रूर है पर हम सबको बहुत चाहते हैं, इस समय वही हमारी मदद कर सकते हैं। अच्छा माँ जाती हूँ। सोनिया इक्के पर सवार होकर अपने चाचा ठाकुर भैरवनाथ से मिलने निकल पड़ी। न जाने क्यों मैं चाचा जी को देखकर डरती रहती हूँ, हालांकि वे हम सबको बहुत प्यार करते हैं। एक कब्रिस्तान के बाहर पहुंचकर सोनिया ने इक्का रोक दिया, जॉनसन सिमेट्री। उफ कितनी भयानक जगह, रात के समय तो और भी। सोनिया कब्रिस्तान के साथ बनी उस हवेली में प्रवेश कर गई, चाचा जी, लेकिन भीतर कोई ना था। भय से कांपती हुई सोनिया कब्रिस्तान के निकट पहुंची थी कि, चली आओ सोनिया,
चाचा जी की वह आवाज़, वो मुझे देख रहे हैं। एक जगह पहुंचकर आवाज़ आनी बंद हो गई। धड़कते दिल से सोनिया ने पूछा, आप कहाँ हैं चाचा जी? तुम्हारे पीछे। पीछे पलटती सोनिया के मुंह से चीख निकल गई, आई। डरो नहीं बेटी, सिद्धियां प्राप्त करने के लिए ऐसा तो मुझे करना ही पड़ता है। ओह, तुम बताओ कैसे आना हुआ? माँ ने मुझे पिताजी का पता लगाने के लिए आपके पास भेजा है। फिर सोनिया ने ठाकुर वीर प्रताप सिंह के गांव जाने की पूरी कहानी कह सुनाई। चाचा जी, आज पिताजी को गए 5 दिन हो चुके हैं। ना जाने क्यों मेरे और माँ के दिल में भयानक विचार कौंध रहे हैं। लेकिन आप इस अवस्था में पिताश्री का पता लगाने कैसे जा पाएंगे? मुझे भैया का पता लगाने के लिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है बेटी। जब तक मैं आँखें ना खोलूँ तुम यूं ही चुपचाप खड़ी रहना। नहीं, नहीं, नहीं! भैरवनाथ के चेहरे पर नाचते खौफ को देखकर सोनिया बुरी तरह से हैर उठी, फिर बोली, क्या हुआ चाचा? नहीं, उन दरिंदों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। घर जाकर पिता की मौत का विलाप करो सोनिया, तुम्हारे पिता इस दुनिया में नहीं रहे। नहीं! उधर सब कुछ ठीक ठाक था। गांव में किसी को भी ठाकुर वीर प्रताप की हत्या का पता नहीं चला था। जो भी इस जमीन को बेचने की बात करेगा उसका हाल ठाकुर की तरह होगा। वह साया कृष्णा का था। हा हा हा, क्यों ठाकुर, मरने के बाद कितने गज जमीन की जरूरत होती है? 2 गज जमीन की। हा 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 हा। अचानक वह चौंक पड़ा, हैं? कृष्णा के सामने की जमीन उसके देखते ही देखते चटकने लगी थी। चट चट चट, नहीं, चट चट। उस दृश्य को देखकर कृष्णा के होश उड़ गए। नहीं, भय से कांप उठा वह। उसी पर जमीन से निकल रहे दोनों हाथों ने कृष्णा के पांव पकड़ लिए। नहीं, आ आ बचाओ। तीव्र झटके से वह दहशत के कारण वह जमीन पर गिर पड़ा। ओह, आ उफ। दोनों हाथ उसे जमीन में खींचने लगे। बचाओ कृष्णा, मंगला, पापू। ठाकुर के दोनों हाथ उसे जमीन में खींचते चले गए। आ पापू, कृष्णा। दूसरे ही पल कृष्णा हवा में तैरती उस कुल्हाड़ी को पहचान गया। ये तो वही कुल्हाड़ी है जिससे हमने ठाकुर के शरीर के टुकड़े किए थे। एकाएक वह कुल्हाड़ी नीचे आई और खच, नहीं। कुल्हाड़ी पुनः नीचे आई, खचाक, और अंत में खच।